जॉन पी हैरिस और हैरी डेविस ने भी जब दुनिया का पहला थिएटर निकलोडियंस को 1905 में अमेरिका में ओपन किया था तो नहीं सोचा होगा कि थिएटर्स आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा मनी जनरेट करने लग जाएंगे। अगर हम सिर्फ अमेरिका की ही बात करें तो 2019 में ही इसने लगभग 9.9 बिलियन US डॉलर तक का मनी जनरेट किया था, वो भी सिर्फ एक साल में। और हम यहाँ पर सिर्फ अमेरिका के थिएटर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड के थिएटर्स की बात करने लग जाए तो पता नहीं यह नंबर कितना ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा। मगर हम थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को साइड में रख कर सिर्फ इंडियन थिएटर्स की ही बात करें तो हमारे देश का पहला थिएटर 1907 में कोलकाता में खुला था जमशेद जी फरम जी मदन के द्वारा, जिसका नाम चैपलिन सिनेमा था। और हम इंडियन थिएटर्स की अर्निंग की ही बात करें तो 2019 में इसने 2.7 बिलियन यूएस डॉलर तक की अर्निंग जनरेट की थी और सिर्फ एक ईयर में। अगर हम इंडियन थिएटर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम यूनियन टेरिटोरी लद्दाख के थिएटर की बात कर ही लेते हैं, जो कि 28 अगस्त 2021 को ओपन हुआ है। यह थिएटर लद्दाख की पहला सिनेमा हाउस है। इस सिनेमा हाउस में को लद्दाख के NDS मैदान में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ इसके स्थापना के समय लद्दाख के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थपसान शिवम और एक्टर पंकज त्रिपाठी भी वहां मौजूद थे। इस थिएटर को जो बात सबसे ज़्यादा खास बना रही है वह यह है कि यह थिएटर लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई में मौजूद है सी लेवल से, जो कि इसे फर्स्ट सिनेमा हाउस बना देता है वर्ल्ड में जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे मौजूद है। सबसे ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से लोग इस सिनेमा हाउस में आ रहे हैं सिनेमा देखने के लिए। और आपको बता दें कि यह एक मोबाइल सिनेमा हाउस है और इसकी कैपेसिटी 120 लोगों की है और यह थिएटर फुल्ली एयर कंडीशनर है। इस सिनेमा हाउस को बनाने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सबसे पहले आगे आया था। और दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आखिर मोबाइल सिनेमा हॉल क्या होता है तो यह एक मूविंग सिनेमा हॉल होता है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कुछ भी हो, मगर इस सिनेमा हॉल ने टूरिस्ट को लद्दाख विजिट करने का एक और बड़ा रीज़न दे दिया है।